नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 14 जुलाई की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि इंडिया ने जिम्बाब्वे से 5 मैचों की T20 सीरीज जीती। भारत ने T20 सीरीज के चौथे मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली है। सीरीज का 5वां मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। भारत की ओर से ओपनर्स के बीच नाबाद 156 रन की साझेदारी हुई। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आए। इनमें से इंडिया ने 10, एनडीए ने 2 सीटें जीती। भी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, एएपी डीएमके ने 1-1 सीटें जीती हैं। वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें गई हैं। 1 सीट पर निर्दलीय विजयी हुआ है। टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने की खबरें खारिज। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के नहीं जाने की खबर को बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने खारिज कर दिया है। शुक्ला ने शनिवार को कहा कि अभी इस पर बीसीसीआई या सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। शुक्ला ने दैट प्रिंट से फोन पर बातचीत में ये बात कही। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि भारतीय टीम अगले साल फरवरी में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। इमरान बुशरा फिर गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें तोशाखाना से जुड़े एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। आज ही फर्जी निकाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद कोर्ट ने बरी किया था। कोर्ट ने कहा था कि इन्हें फौरन रिहा किया जाए। महाराष्ट्र MLC चुनाव। NDA ने 11 में से 9 सीटें जीती। महाराष्ट्र में विधान परिषद MLC के चुनाव में NDA को जबरदस्त जीत मिली है। गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीत ली हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी खड़े थे जिनमें 2 ही जीत सके। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। 11 सीटों पर हुई काउंटिंग में भाजपा को 5, शिवसेना शिंदे और NCP अजित पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन से शिवसेना, UBT और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती है। भारत के श्रीलंका दौरे में बदलाव। BCCI ने जारी किया नया शेड्यूल। भारत के इस महीने के आखिरी में होने वाले श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बदलाव किया है। अब भारत का श्रीलंका दौरा 26 की जगह 27 जुलाई से शुरू होगा। साथ ही 1 अगस्त को शुरू होने वाली वनडे सीरीज अब 2 अगस्त से शुरू होगी। इससे पहले बीते गुरुवार को श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज का शेड्यूल जारी किया था। वहीं दौरे से ठीक पहले श्रीलंका के T20 कप्तान वानिंदु हसरंगा ने कप्तानी भी छोड़ दी थी। 41 साल के एंडरसन ने क्रिकेट को अलविदा कहा। 41 साल की उम्र में इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 2002 में 20 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की। टेस्ट में 704 विकेट लिए, वनडे में 269 और T20 में 18 टोटल 991 विकेट। 21 साल तक इंग्लैंड की टीम की पेस गेंदबाजी की अगुवाई की। चीन समर्थक KP ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल में कल यानी को पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार गिरने के बाद KP शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। उन्हें रविवार तक प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। उनका शपथ ग्रहण रविवार दोपहर तक हो जाएगा।
जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना राजपूत करणी सेना में फायरिंग मारपीट। जयपुर में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई। इसमें मकराना जख्मी हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। शेखावत ने कहा है कि मकराना 4 लोगों के साथ चित्रकूट इलाके में स्थित मेरे कार्यालय में आया और फायरिंग कर दी। इस पर सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों ने उसे पकड़ा, उसके साथ मारपीट की। संघटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, इनमें दोनों पक्ष मारपीट करते दिख रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शनिवार सुबह चित्रकूट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अवैध बूछड़खानों और मीट की दुकानों पर निगम का एक्शन। जयपुर में अवैध बूछड़खानों और खुले में मीट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत पिछले 24 घंटे में जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने 9 दुकानों को सीज किया है। वहीं 50 किलो से ज्यादा मीट नष्ट कर 20 से ज्यादा जिंदा पशुओं को भी जब्त किया है। नगर निगम पशु प्रबंधन शाखा के उपायुक्त राकेश शर्मा ने कहा कि शहर में नियमों के विपरीत अवैध बूछड़खाने और मीट की दुकानें संचालित की जा रही थीं, जिनके खिलाफ अभियान के तहत नगर निगम की आम जनता को शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रही है। गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप सामने आया। राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठे फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का अब एक ऑडियो सामने आया है। इसमें दोनों उस लैपटॉप और मोबाइल को डैमेज करने की बात कर रहे हैं, जिससे फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मीडिया को भेजी गई। राजस्थान के 20 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राजस्थान के जिलों में शुक्रवार को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। हनुमानगढ़ गंगानगर में तूफान के कारण कई जगह पेड़ और कच्चे मकानों के टीन शेड गिर गए। जयपुर, झालावाड़, चूरू, बूंदी, बाराम, बांसवाड़ा, झुंझुनू, प्रतापगढ़, बीकानेर में भी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आज जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़ में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 और 15 जुलाई को राजस्थान में मानसून कमजोर रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 16 जुलाई से मानसून फिर से एक्टिव होगा और दक्षिण राजस्थान के जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ीं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर केंद्र का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने घसीटा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य दरवाजे पर चढ़कर JLN मार्ग पर जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा। 4 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।